तो आप लोग लिखें इंटरवल। देखिए इंटरवल में क्या होता है, आप लोग समझे इंटरवल। देखिए यहां इसमें दिया है आपको, ये एक रियल लाइन है, यहां दिया है आपको ए, यहां दिया है आपको रियल लाइन पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये इधर से भी कहीं देना चाहिए जरूर जाओ। अगर मैं कहता हूं कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है ए बी में, समझ लो वही ध्यान से, अगर मैं कहता हूं कि x बिलोंग कर रहा है ए बी में, तो ये जो होता है ये होता है ओपन इंटरवल। यानी कहने का मतलब कि यहां आप एक छोटा सा सर्कल बनाओगे और इस सर्कल को आप डार्क नहीं करेंगे, इसका मतलब होगा कि x का मान a से बड़ा है और b से छोटा है, a और b शामिल नहीं, समझ रहे मतलब a b से मतलब है, सपोज करो यहां 5 है यहां 11 है, तो x का मान 5 से बड़ा है और 11 से छोटा है, तो 5 से बड़ा, 5 से बड़े से मतलब 5.1 नहीं है वो 5.0001 भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर है। ये कैसी लाइन है, इट इज ए रियल लाइन, और रियल लाइन में पॉइंट माइनस डिवाइड सब होता है, तो क्या बोलेंगे इसको हम कि x का जो मान है वो a से बड़ा है, यानी 5 से बड़ा। आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि 5 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, समझती मेरी बात, तो इसलिए मैंने इसको डार्क नहीं किया। ओके, डार्क करने का मतलब है कि ये 5 भी शामिल हो जाता है इसमें। अब मैं दूसरा इंटरवल बनाता हूं आपका, ये बनाया आपने, एक तरफ आपने डार्क कर दिया भाई और एक तरफ आपने डार्क नहीं किया, इट इज ए और इट इज बी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग ए टू बी, तो मैंने इधर की तरफ कैसा इंटरवल लगाया, क्लोज, ये कैसा इंटरवल है, क्लोज, इसका क्या मतलब हुआ कि a के बराबर भी है और b से छोटा, यानी a b के बीच का पार्ट तो सारा है लेकिन इस बार a इसमें शामिल भी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x less than b less than a, कि x का मान a से बड़ा है और b से छोटा, समझ में आ रहा है, तुम्हारी वीडियो देख ली थी सारी, अब कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अब बिल्कुल रूटीन से लेके चले, 2-3 दिन में लगा दे तुम्हारे ऊपर। अब हम बात करते हैं क्लॉज इंटरवल, तो इसको आप कैसे लिखेंगे बताओ, x लेस देन b और इधर क्या लिखूं, लेस देन के साथ साथ इक्वल, समझ में आ रही बात, मेरे साथ यहां बोलो तभी तुम लोगों को रिवाइज हो पाएगा, तभी तुम लोग सीख पाओगे गणित, तो बात समझ में आ गई। अब मैं तीसरा बनाता हूं, यहां बोर्ड पूरा दिख रहा है, अब मैं यहां तीसरा बनाता हूं, ये बनाया भाई, इट इज ए इट इज बी और इस बार में मैंने दोनों ही डार्क कर दिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग ए टू बी और दोनों ही इंटरवल कैसे लगा दिए, क्लोज, तो इसको इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है, हिंदी में इनको सवृत विवृत बोलते हैं लेकिन आप लोग इंग्लिश में याद रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, एक्स लेस देन बी और लेस देन ए, इस बार लेस देन के साथ साथ इक्वल टू बी, ओके। उसके बाद चौथा आता है, चौथे को आप लिखोगे, इस बार इधर आपने डार्क कर दिया और एक तरफ डार्क नहीं किया, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी और बी के ऊपर आपने लगा दिया क्लॉज, समझ में आगे बात यहां तक, परेशानी रही, ये बात क्लियर होगी आप सबकी, आगे बढ़े। अब इसको कैसे लिखूंगा भाई मैं, बोलो, x लेस देन कोई b और लेस देन a, कि x की जो वैल्यू है वो b से छोटी भी है और बराबर भी है, जबकि a से बड़ी है, a के बराबर नहीं, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, या कोई दिक्कत परेशानी। अब एक बात और है, सपोज करो मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की, तो इस वाले में क्या लिखा आपने,
एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल ए और ओपन इंटरवल बी। ओपन इंटरवल लिखने का एक और तरीका है, इक्वल्स वाला उल्टा बना दो, ठीक है, ये वाला ओपन है तो अगर आप इसके बदले क्लोज वाला उल्टी साइड को आप लिख दें तो ये भी आपका ओपन का काम करेगा, समझ गए। अब इसका बताओ कैसे लिखूं मैं, ये वाला बताओ कैसे लिखूं, इसको मैं लिखूंगा एक्स बिलोंग ए, ऐसे लिखूंगा बी और समझ गए आपको, यानी ओपन वाले को बनाने का एक और तरीका भी हमारे पास है, ठीक है। कैसे को बता दो मुझे कैसे लिखूं इस वाले को, इस वाले को बोलो इस वाले को कैसे लिखूंगा मैं, एक्स बिलोंग्स टू उल्टे वाला बनाया क्लोज ए बी और ये सुल्टे वाला, समझ गए आप लोग, आप चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो, अदरवाइज भाई वीडियो भी तुम्हारे लिए बनी रही है, कोई चीज लिखते हुए यहां ना तो बता दिया करो भाई उस चीज को, फिर आप नया हेडिंग डाले, इंटरवल आपका क्लियर हुआ बेटा, एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे हम बिल्कुल, किसी को कुछ दिक्कत आती है उसको पूछो, और जब मेरा नंबर पूछने का आएगा देख लेना भाई, इसीलिए एक चीज को क्लियर करते चलो बिल्कुल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डाले आप पावर सेट, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग डाले आप पावर सेट, इंटरवल आप लोगों का क्लियर हो चुका, अब आप लोग हेडिंग डाले पावर सेट, देखिए भाई पावर सेट में क्या है, यहां हेडिंग डाले पी ओ डब्ल्यू पी आर पावर सेट, बेटा ध्यान दें मैं आपको सबसेट पढ़ा चुका, याद होगा सबके, मैं आपको सबसेट पढ़ा चुका, मैंने एक सेट लिखा, एक सेट है आपके पास ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी ओनली, ध्यान से समझ लो, एक बार लिखो मत समझ लो, एक सेट है आपके पास ए ए बी, बेटा अगर तुम यहां मेरे साथ रिवाइज करोगे, मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ सक्रिय रहोगे, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत जल्द समझ में आएगा और तुम लोग बोलोगे नहीं, और तुम लोग ये सोचोगे कि घर जाकर आराम से देखेंगे तो तब तक गरीब है, ठीक है, छुट्टी बहुत होगी मैं तुम पहले बता चुका, ऑनलाइन के लिए आप लोग तैयार है, तो मैंने आपको बोला ए इज इक्वल टू ए बी इज ए सेट, ठीक है, ये एक सेट, मैं कहता हूं कि आप इसके सबसेट लिखें, सबसेट सबने पढ़ रखे, बताओ मुझे क्या क्या होंगे इसके सबसेट, ए ये भी सबसेट होगा, दूसरा तुम बताओ बी भी सबसेट होगा, तीसरा तुम बताओ पीछे ए बी, वेरी गुड, चौथा कौन बताएगा, तुम बताओ चौथा, नहीं यार बी बी और ए बी में क्या फर्क है, बट इट डिफरेंस बी एंड ए बी फाइव, चौथा जो होगा फाइव, फाइव मीन्स ब्लैंक सेट एम्प्टी सेट, पढ़ा लिया तुमने घर जाके बेटा, रोज का काम रोज करो, कल फिर ज्यादा काम इकट्ठा होगा कुछ हुआ तुम बताओगे नहीं पिटूंगा, तो ऐसा काम क्यों करते हो, अभी तो मैंने बहुत छोटी चीज पढ़ा रखी, नहीं पढ़ रहा था तुमने सबसे पढ़ा नहीं घर जाके, तो होता था उसमें, मेरी बात का जवाब देना सीखो यार, चुप रहना समस्या का समाधान नहीं है, सबसे तुम्हारी समझ में नहीं आया था तो ऐसा बोलो ना, सबसे मेरी समझ में नहीं आया था, और कोई ऐसा है जिसकी समझ में सबसेट नहीं आया था, सबसेट क्या होता है मैं फिर से बता दूं, हमारे पास ये एक सेट है, इसका एवरी एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करे, वहां चाहे बचे चाहे ना बचे इससे कोई मतलब नहीं, तो अगर आप एक सेट ए लिखते हो तो क्या ए वहां बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका सबसेट छोटे वाला सबसेट होता है, ये एक सेट मैंने बी लिखा तो क्या इसका बी सबसेट है, बी बिलोंग कर रहा है, मतलब बिलोंग करने के बाद वहां कुछ बच जाए इससे मतलब नहीं है, समझ गया आप लोग, अरे तुम गणित के बच्चों का अगर एक सेट बना दिया जाए, इट इज द सेट ऑफ मैथ्स स्टूडेंट ऑफ इलेवंथ बी, ए इज द सेट ऑफ मैथ्स स्टूडेंट ऑफ इलेवंथ बी, तो ए इज द
the subset of 11th B whole class. क्या तुम लोग belong नहीं करते 11th B में? करते हो ना? नहीं sir. अगर तुम्हारे ना अपने register से main register में belong नहीं करते तो सबके match हो जाएंगे? और वहाँ बच भी बोल सकते हैं. बचने से मतलब नहीं है. Remaining element does not matter. समझ गए आप लोग? आप समझ में आया subset? और ये subset का sign होता है. बेटा तुमने video देखी नहीं जाएगा. मैं बता दूं क्लियर बात. झूठ बोलना ठीक नहीं है यहां से. भाई अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो तो मैंने तुम्हें 8-10 दिन का टाइम दे रखा तो हो जाओ सक्रिय और नहीं तो मैं खुद बाहर कर दूंगा गणित से. भाई मेरा काम रोज का रोज करो जाके. मैं अगले दिन कुछ भी पूछूंगा. पावर सेट पढ़ा रहा हूं आज तो पावर सेट के बारे में कल पूछूंगा. मैं सुन लो बात अभी. तो मैंने सारे लिख दिए सबसेट. यहां ए बी सबसेट है क्योंकि ए बी के सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं. ये एम्प्टी सेट है. ये हम लोगों का एम्प्टी सेट सब जगह बिलोंग करता है. ओके तो जब मैंने सारे के सारे सबसेट लिख दिए फिर मैंने इन सबके बीच में कोमा लगा दिया और कोमा लगाने के बाद इनको एक कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया. तो ये आपका क्या कहलाएगा? पावर सेट. यानी क्या हुआ पावर सेट? मतलब किसी सेट के सबसेट से बनने वाला सेट उस सेट का पावर सेट कहलाता है. समझ गए आप लोग? डेफिनेशन ऑफ किताब से लिखी हूं जिसको जोन सी अच्छी लगे. पावर सेट की डेफिनेशन लिखी है नीचे. द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए कॉल्ड द पावर सेट ऑफ. ओके समझ में आ गया बेटा? यानी एक सेट के पहले क्या बनाओ? सबसेट. ओके और सबसेट को सारों को कोमा लगा लगा के लिख दो आप और उनको एक कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दो. तो ये क्या कहलाएगा आपका? पीएम पावर सेट ऑफ. ओके और भाई ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एलिमेंट ऑफ पीए. ओके ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट ऑफ पीए. यहां से एक बात और क्लियर हो रही है कि पावर सेट के जो एलिमेंट है वो कैसे होंगे? सेट की फॉर्म में. कर्ली ब्रेसेस ये भी तो सेट है नहीं है सेट? यानी सेट के अंदर जो सेट आया आपके पास यानी पावर सेट के जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में होते हैं? सेट की फॉर्म. समझ में आ गया? कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए कि पावर सेट के जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? सेट की फॉर्म. ओके मुझे उम्मीद है पावर सेट समझ में आ गया होगा. अब मैं तुम्हारे से बात पूछता हूं. मेरी बात का जवाब देने के लिए तैयार रहे बेटा. पिछला पढ़ के आया हूं रोज. मैंने एक सेट लिखा ए ए बी. इसके अंदर कितने एलिमेंट है बेटा? दो. वेरी गुड. तो नंबर ऑफ सबसेट इससे कितने सबसेट बनेंगे टोटल? क्या फॉर्मूला होता था? टू की पावर एन. यानी टू की पावर टू यानी क्लियर है? एक सेट से कितने सबसेट बनते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है टू की पावर एन. तो अगर मैं आपसे नोट करके एक बात पूछने लगूंगा नोट करके आप लोग देखोगे क्या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? बोलो भाई. मैंने एक सेट का पावर सेट बनाया तो उस पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? टू की पावर एन. भाई पावर सेट बनता कैसे है? टोटल सबसेट जितने सबसेट है हमारे ओरिजिनल पावर सेट को ना. भाई पावर सेट के जो एलिमेंट है बेटा समझ के ध्यान ज्यादा रखो यहाँ बता तो तुम घर भी लोगे वीडियो देखे. देखो पावर सेट में कितने एलिमेंट है हमारे पास? पावर सेट सबसेट से ही तो बना. तो सबसेट कितने होते हैं? टू की पावर है. तो टू की पावर यानी क्या होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट. समझ में आती है बात? क्या कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नेक्स्ट हेडिंग डालो यूनिवर्सल सेट. इसको नोट करो जल्दी से. नेक्स्ट हेडिंग डालो यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय. देखिए यूनिवर्सल सेट होता क्या है? हमारे पास एक सेट है ए ऑल स्टूडेंट ऑफ सिक्स्थ क्लास. ओके एक सेट है मेरे पास बी ऑल स्टूडेंट ऑफ सेवंथ क्लास.
एक है एट्थ क्लास, नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास, इलेवेंथ क्लास, ट्वेल्थ क्लास। मैंने सारी क्लास के सेट को ए बी सी डी एफ जी एच की फॉर्म में लिख दिया, ओके। फिर मैंने एक बड़ा सेट लिखा, क्या? ऑल स्टूडेंट ऑफ ए यू जी आई सी तलवारी। तो क्या ये सारे सेट जितने भी हैं, क्या ये इसके सबसेट होंगे? नहीं होंगे। सारी क्लास के रजिस्टर स्कूल का ऑल ओवर डाटा जो है वहां तो मैच करेंगे ही, नहीं करेंगे? तो हमारा स्कूल का जो सेट है ये क्या कराएगा? यूनिवर्सल। समझ गए? जितने भी सेट हमें दिए हैं वो सारे इसके क्या होंगे? सबसे। तो ये जो मेन सेट है आपका ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बेटा आप लोग उदाहरण को रियल लाइफ से जोड़ के चलो तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप इसको गणित की भाषा में लिख सकते हो, ए हमारे पास 1, 2 है, बी हमारे पास 2, 3, 4 है, सी हमारे पास 4, 5 है। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ओके, डेफिनेशन मैं बोलता हूं, चाहे तो जमी लिख लो आप, क्या हिसाब किताब से लिख सकते, डेफिनेशन की कोई लोड नहीं। तो मुझे उम्मीद है यूनिवर्सल सेट सबके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी का विषय नहीं है। और मैं कोशिश करता हूं कि एक आध क्वेश्चन भी तुम्हें कराया जाए। लिखे 1.3 पहले का 6 पार्ट, इसने बोला है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, ओके। और इसके बीच में इन्होंने डैश 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 दिया है, और अगले वाला दिया है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल, इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। बेटा एक बात बताओ मुझे, ये जो सेट है हमारे पास इसके अंदर कितने आ गए भाई? सभी तरह के ट्राइंगल आ गए, वो जैसे भी होते हैं, चाहे इक्विलेटरल है, चाहे जैसा भी है, किसी भी तरीके का, ठीक है, राइट एंगल है, जैसा भी है, सारे आ गए इसके अंदर। ऑल ट्राइंगल, ट्राइंगल त्रिभुज, ठीक है भाई, सभी तरीके के त्रिभुज आ गए। और इसमें कैसे है? केवल इक्विलेटरल। इक्विलेटरल कौन सा होता है हिंदी में? समबाहु। ओके, तो इसके अंदर कौन से है? केवल समबाहु। और इसके अंदर कैसे है? सभी। तो क्या समबाहु इसके सबसेट होंगे? होंगे भाई, इसमें तो सारे हैं, तो इसमें कैसा निशान लगा देगा? सबसे, ठीक है। और पूछो, कौन सा पूछ रहे थे आप? लिखे क्वेश्चन नंबर 3। बेटा 3 का पार्ट लिखें, ठीक है। और आज का जो होमवर्क रहेगा 1, 2, 9 जो बीच में हो गए आप ट्राई करके लाएंगे। मैं 3rd क्वेश्चन की थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट कर दिया बंद। तो इसने क्या बोला तुम्हें भाई? 3, 4 जो है सबसेट ऑफ A है या नहीं? ओके, तो क्या 3, 4 सबसेट है A का? कितने लोग इसको यस बोलते हैं? कितने नो? यस वाले हाथ उठाए। यस वालों की संख्या काफी बड़ी है, नो वाले हाथ उठाए। नो वाला कोई नहीं, और सभी का जवाब गलत। बोलो बेटा, भाई ध्यान दे आप लोग, इस ए सेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? ए सेट। ये जो 1 है आपका, ये क्या है? सेट का एलिमेंट है ना। ये 2 जो है ये क्या है? सेट का एलिमेंट। तो अगर कहीं मैं 1 लिखूं तो ये इस सेट का एलिमेंट है। तो एलिमेंट है तो क्या क्या निशान लगेगा? बिलोंग्स का। ये तो निशान समझाया था। अगर मैं 2 की बात करूं, कैसा निशान लगेगा? बिलोंग। तो ये जो 3, 4 है पूरा का पूरा
ये इस ए का क्या है? ए का तो ये एलिमेंट ही है, ये अपने आप में चाहिए कुछ भी है। तुम अपने गांव में जाके, तुम अपने गांव के सबसे बड़े आदमी हो, समझो मेरी बात, तुम अपने गांव के प्रधान के लड़के हो, सपोज करो। स्कूल में क्या हो? स्टूडेंट। ओके, ए इज द क्लास ऑफ इलेवेंथ बी। इफ ए इज द क्लास ऑफ इलेवेंथ बी, देन यू जो भी है यहां वो सब क्या है? यहां स्टूडेंट ऑफ इलेवेंथ बी। हाँ भाई, इसके कपड़े ज्यादा अच्छे से पहनेंगे, प्रधान का लड़का है। ओके, लेकिन स्कूल में क्या है? समझ गया आप लोग? तो 3-4 भी क्या है? एक एका एका तो पूछ रहा क्या है? तो एका सबसेट नहीं, क्या है एका? हाँ, अगर 3-4 को हम कैसे बंद कर दें? फिलहाल तक एका ए एलिमेंट है, लेकिन अगर इसको कर्ली ब्रेसिस में बंद कर दें, अब क्या हो गया? एका ए सबसेट। ओके, अब समझ में आई बात? एलिमेंट पे क्या लगता है? बिलोंग टू, और वैसे क्या लगता है? सबसेट। तो बेटा आज आप 2 तक के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, चाहे सारे क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है?